Okay, so very good morning to all of you. Today is 1st January 2021. Or Happy New Year to everybody, to everyone those who is watching this lecture. Let us hope and pray that this new year brings a lot of more good news than the last year. Last year has been a roller coaster for all of us, but let us hope कि अगला साल बहुत अच्छा जाए ये साल। तो आज 1 जनवरी है और ये लेक्चर नंबर 17 है रे ऑप्टिक्स का। और मैं पिछले दो तीन लेक्चर से लेंसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैंने लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव किया था, विच मोस्ट ऑफ यू मस्ट रिमेम्बर राइट नाउ, राइट? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। और इस मंथ के, जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, इस मंथ के 26 जनवरी तक सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। 26 जनवरी तक हमारे पास अभी और 20 लेक्चर्स है, कभी कम से कम 20-22 लेक्चर्स। सिलेबस विल बी फिनिश टिल देन। ओके, लेंस फॉर्मूला क्या था? लेंस मेकर्स फॉर्मूला, 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, वेर 1/f इक्वल टू μ2 - μ1 - 1 इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। अभी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस पे काफी क्वेश्चंस किए हम लोगों ने, और लेंसेस की फोकल लेंथ कैसी फाइंड करनी है, और लेंसेस अगर अलग अलग मटेरियल के बने होंगे, अगर उसमें जो ग्लास यूज किया या आउटसाइड मटेरियल जो है मीडियम, उसको अगर तुमने चेंज कर दिया तो क्या फोकल लेंथ होगी, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट। आज हमें लेंस मेकर्स फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है। आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई थी, ठीक है? मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन लग सकती है आप लोगों को बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस, बट इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डाउट्स, कुछ भी दिक्कत आ जाए तो डेफिनेटली मुझे बोलो, ठीक है? चलो तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज। वैसे बाय द वे, वो याद है ना कल जो मैंने बताया था मैग्निफिकेशन, क्या है फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का? लैटरल भाई लैटरल मैग्निफिकेशन इज वी बाई यू एंड लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन इज, एम स्क्वायर यस, बिल्कुल लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन इज एम स्क्वायर, मतलब वी बाई यू का स्क्वायर। होल लेकिन स्क्वायर माइनस भी आता है ना यहाँ पे बाहर, यहां पे माइनस नहीं आता, राइट? ओके चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है। ये जो वर्कशीट है, ये वर्कशीट अपन ने आई थिंक पहले कुछ क्वेश्चंस किए थे। देखो इस वर्कशीट में आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इस वर्कशीट में मुझे लगता है कि अपन ने कुछ, हाँ, क्वेश्चन 10 तक क्वेश्चन किए थे, 11th पे आ गए थे हम। छोड़े ये लेंसेस, मैंने कहा था कि इसके आगे के क्वेश्चन लेंसेस के ऊपर है, तो ये क्वेश्चन करेंगे अभी। ये देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है। ए कॉन्वर्जिंग लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर। कॉन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स ही होगा, मतलब एयर में है तो, ऑफ 30 सेंटीमीटर। रेज फ्रॉम 2 सेंटीमीटर हाई फिलामेंट दैट पास थ्रू द लेंस फॉर्म ए वर्चुअल इमेज एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। वेयर इज द फिलामेंट लोकेटेड एंड वॉट इज द हाइट ऑफ द इमेज। चलो क्वेश्चन को ट्राई करो, या इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाऊं, इसका अगला क्वेश्चन आप लोग करते हो। चलो मैं हिंट तो दे देता हूं आप लोगों को, एटलीस्ट ये डेफिनेटली कॉन्वर्जिंग लेंस है। और इसमें क्या कहा गया है, ध्यान दो, इसमें क्या कहा गया है? वर्चुअल इमेज। यार वर्चुअल इमेज तो तभी बनती है जब तुम फोकस के अंदर होते हो, राइट? डेफिनेटली ऑब्जेक्ट यहां पे होना चाहिए, है कि नहीं? ओके okay. 50 सेंटीमीटर और रेज ऐसे जाएंगे यहाँ पे ऐसे, और ये फोकस से और ऐसे, तो इनको पीछे बैक ट्रेसिंग करो। वो तेरे बहुत पीछे जाके मिलेंगे ये तो एक दूसरे को, वेरी फार अवे। यहाँ पे आके मिलेंगे, तो इमेज यहां पे बन रही है,
ये आपकी इमेज बन रही है, इमेज वर्चुअल है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, वर्चुअल इमेज है। अब इन्होंने क्या कहा है कि इमेज जो है उसकी हाइट निकालो, इमेज की हाइट निकालो, और इसकी हाइट दी है, इसकी हाइट कितनी दी है 2 सेंटीमीटर। अच्छा यू कितना दिया, यू नहीं दिया, यू फाइंड करने का है, फोकल लेंथ दी है, फोकल लेंथ कितनी दी है, फोकल 30 सेंटीमीटर। चलो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अच्छा वी दिया है कि यहां पे वी भी दिया है, वी भी दिया है, वी कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, 1/v - 1/u = 1/f। फोकल लेंथ तो पॉजिटिव है भाई, ये आपकी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को पॉजिटिव पुट करो, 1/+30। यू पता नहीं है, वी कितना दिया है -50। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करके क्या आएगा चेक करो क्या आता है, -1/50। एक काम करो, ये -1/u को इधर भेजो, इसको इधर भेज दो, +1/u आएगा -1/50 - 1/30। ये हो जाएगा 1/u = नीचे 150 आएगा, 5 - 3 - 3 ये आ जाएगा -8/150। बेसिकली u आ जाएगा -150/8, -150/8 दैट इज -75/4। तो u इज इक्वल टू आ जाएगा -18.75। ये आ गया भाई u, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालोगे, मैग्निफिकेशन इक्वल टू v by u, v दिया है -50, u निकाला -18.75। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कैपिटल H बाय स्मॉल H, करेक्ट है, हो जाएगा 50/18.75। अच्छा स्मॉल H की वैल्यू कितनी दी है 2 सेंटीमीटर ना, ऑब्जेक्ट की साइज वो पुट करो वहां पे, कैपिटल H बाय 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 50/18.75। ये हो जाएगा कैपिटल एच इक्वल टू 50 × 2 / 18.75। कितना आता ये 100/18.75, 5.3 सेंटीमीटर आ रहा है क्या, लेट अस सी। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ओके। ये था क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन करेक्ट आंसर है अपना, ये देखो, ओके। चले अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। जिनके मोबाइल से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है उनकी बात खत्म होने के बाद वो म्यूट कर लो, ठीक है। और जो लोग मुझे YouTube की लिंक मांग रहे, मेरा उनके लिए एक एडवाइस है, बड़ा एक काम करो, उसको सब्सक्राइब ही कर लो, आपको इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। फिर भी मैं तुमको अभी दे रहा हूँ YouTube लिंक, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली प्रूफ दैट वाला है, जो कि मुझे लगता है अभी करने की जरूरत है नहीं। शो दैट द फोकल लेंथ ऑफ ए थिन लेंस इज नॉट चेंज्ड व्हेन द लेंस इज रोटेटेड सो दैट द लेफ्ट एंड राइट सर्फेसेस आर इंटरचेंज्ड। अच्छा इसके बारे में अपन कल भी बात कर रहे थे ना, याद है? Yes, sir. Yes. कल बात कर रहे थे अपन इसके बारे में कि इधर R2 है और इधर R1 है, तुम इसको इंटरचेंज कर लोगे तो क्या फोकल लेंथ पे फर्क पड़ता है क्या? फोकल लेंथ पे फर्क नहीं पड़ता, जो इसकी फोकल लेंथ है वही इसकी फोकल लेंथ आएगी, दोनों तरफ फोकल लेंथ क्या होती है, सेम होती है, राइट? लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों तरफ का मीडियम भी सेम होना चाहिए,
एयर है तो एयर ही होना चाहिए, वाटर है तो वाटर ही होना चाहिए। अपन ने एक क्वेश्चन ऐसा भी किया था जिसमें एक तरफ एयर है दूसरी तरफ वाटर है, तो अपने दो अलग अलग फोकल लेंथ आई थी, है कि नहीं? यस सर, ओके, निकालनी थी। यस यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज, ये मुझे लगता है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी तुमको वर्बली आंसर देना है, मतलब सॉल्व नहीं करना है कुछ। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे कौन आंसर देगा इसका। एज एन ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए थिन कॉन्वर्जिंग लेंस टू ए फोकल पॉइंट, ओवर व्हाट रेंज डज द इमेज डिस्टेंस वैरी? इमेज डिस्टेंस कहां से कहां तक वैरी करती है? इमेज डिस्टेंस बढ़ते जाता है इन्फिनिटी तक सर। तो कहां से शुरू होगा, लेकिन कहां से शुरू होगी? फोकस से इन्फिनिटी, मतलब जीरो टू इन्फिनिटी की फोकस से इन्फिनिटी? फोकस से इन्फिनिटी। देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम सरफेस ऑफ ए थिन कॉन्वर्जिंग लेंस, मतलब यहां से, और यहां से लेफ्ट में गए, और कहां तक गए? फोकस तक गए, मतलब u इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू f, u इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू f, u इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू f। जब u 0 टू f जाएगा तो जो इमेज बनेगी वो कहां से कहां तक जाएगी, दैट इज द क्वेश्चन। तो v की रेंज क्या आएगी, v की रेंज क्या आएगी, व्हाट इज द रेंज ऑफ द v? बोलो भाई। हाँ, जीरो टू माइनस इन्फिनिटी जाना चाहिए ना, प्लस ना माइनस ना, अरे पीछे पीछे आएगी ना इमेज, इमेज ऑब्जेक्ट जिस तरफ है उसी तरफ आएगी ना इमेज। यस सर, ऐसा जाएगा ना ये सर, फोकस पे तो इस इधर के, ये देख बेटा यहाँ पे बनेगी ना इमेज ऐसे, तो ही बता जीरो टू माइनस इनफिनिटी तक जाएगा ना, क्योंकि जब यू जीरो होगा, तो ही बता मेरे को, जब यू जीरो होगा तब वी भी तो जीरो होगा ना। यस सर। ओके, फर्स्ट थिंग, मतलब स्टार्टिंग तो जीरो से होगी, ठीक है, और जैसे जैसे तू फोकस के पास आता जाएगा तो ये इमेज ऐसी पीछे पीछे जाती जाएगी ना। yes, तो जैसे तू फोकस पे आएगा तब तक ये कहां चली जाएगी, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी ना ये। Yes, sir. जीरो टू माइनस इन्फिनिटी इमेज जाएगी अगर ऑब्जेक्ट जीरो टू एफ गया तो, जीरो टू माइनस एफ सॉरी, क्योंकि जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है। ओके, और सेम साइड पे बन रही है जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है। ये एक्चुअली कल ही डिस्कस कर रहे थे अपन, ग्राफ जब ड्रॉ कर रहे थे ना, तो ग्राफ इसी के बेसिस पे तो ड्रॉ किया था अपन ने, है कि नहीं? ओके चलो अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है। हाँ बेटा सर, फोकस वर जर ऑब्जेक्ट असला तर इमेज इन्फिनिटी वर बनती ना। हो बेटा, पर मग तू कन्फर्म नहीं सांगू शकत की माइनस इन्फिनिटी का प्लस इन्फिनिटी है। फोकस च्या थोडस राइट ला असला तर माइनस इन्फिनिटी, फोकस च्या थोडस स्लाइट ला लेफ्ट ला असला तर प्लस इन्फिनिटी। एक्झॅक्ट फोकस वर है, इट कॅन बी पॅरलल रेज बनता ना, पॅरलल रेज प्लस इन्फिनिटी ला भेटतील का माइनस इन्फिनिटी ला भेटतील? अरे दादा, इमेज फॉर्म होणार नाही आपल्याला माहिती आहे, ठीक आहे, पण पॅरल रेज आहेत, तर पॅरल रेज मला सांग, असे पॅरल रे आले तर हे इन्फिनिटीला भेटताय की पाठीमागे इन्फिनिटीला भेटताय? पाठीमागे इमेज कुठे बनते, व्ही इक्वल टू प्लस इन्फिनिटीला की व्ही इक्वल टू मायनस इन्फिनिटीला? तू एनी वन ऑफ द टू म्हणू शकतो ना, यू कॅन से दिस और यू कॅन से दिस, बोथ आर इक्वली वॅलिड ना, बोथ आर इक्वली वॅलिड, हेच म्हणतोय मी, बोथ आर इक्वली वॅलिड। ओके चलो, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी दिया उस पे ध्यान दो, फोकस ऑन दिस क्वेश्चन, आई थिंक यू कॅन डू दिस क्वेश्चन। ए डायव्हर्जिंग लेन्स इज मेड ऑफ, डायव्हर्जिंग मतलब कॉनकेव्ह,
made of material of refractive index 1.3 and has identical concave surface biconcave lens. The lens is immersed in a transparent medium with refractive index of 1.8. What is now the focal length and what is the minimum distance that an immersed object must be so that real image is formed? चलो दोनों के लिए मैं आपको एक मिनट दे रहा हूं, सोचो अच्छे से, सोचो, थिंक अबाउट द बोथ. Sure. Focal length आ गया क्या? Okay. अभी next का answer क्या आएगा बेटा? इसका आ गया, इसका 36 सेंटीमीटर. Okay. 36 सेंटीमीटर. Let us see. A diverging lens is made of material with refractive index 1.3. has identical concave surfaces of radius 20 cm, मतलब biconcave lens है. और आपने को पता है कि biconcave lens का focal length क्या होता है? R upon twice of mu minus 1, लेकिन यहाँ पे minus आता है, negative focal length आती है biconcave की. अब इनका क्या कहना है कि जो material है उसका refractive index 1.3 है और इन्होंने क्या कर दिया, इसको इमर्स कर दिया किसमें, ऐसे लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.8. अब बेसिकली ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू आउटसाइड मीडियम होता है कि नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू आउटसाइड मीडियम. तो लेट अस से जो अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू टू और जो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू वन. तो बेसिकली फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस आर बाय ट्वाइस ऑफ म्यू टू बाय म्यू वन माइनस वन ना. लेकिन उसके लिए तुमको पहले रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी. अच्छा रेडियस दिए क्या इन्होंने? अरे रेडियस दिए इन्होंने, रेडियस डायरेक्टली दिए 20 सेंटीमीटर, तो फाइंड करने की जरूरत नहीं, दिए. पुट कर दो इसको यहाँ पे, माइनस 20 अपॉन ट्वाइस ऑफ 1.3 अपॉन 1.8 माइनस 1, ऐसा आएगा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू आउटसाइड मीडियम. आउटसाइड मीडियम लिक्विड है, इसका 1.8 है. ये आ जाएगा माइनस 20 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ इन ब्रैकेट 13 बाय 18 में से 18 क्या कितना, 0.5 माइनस 5 बाय 18. ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 5 4 20, ये 2 से डिवाइड करो 9 ऊपर जाएगा ना, 36 हो जाएगा ये. और आंसर प्लस 36 आ रहा है देखो. Yes, मतलब yes, मतलब वो लिक्विड में कॉन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, है कि नहीं? इट विल बिहेव एज अ कॉन्वर्जिंग लेंस. ओके, अभी नेक्स्ट वाले का क्या आंसर बताओगे तुम? नेक्स्ट वाले में क्या पूछा, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट अ इमर्स्ड ऑब्जेक्ट मस्ट बी फ्रॉम द लेंस सो दैट द रियल इमेज इज फॉर्म. अब मुझे बताओ कॉन्वर्जिंग लेंस है ना, तो कैसे होगा सर? है ना, कॉन्वर्जिंग लेंस में क्या होता है कि मिनिमम कितने डिस्टेंस पे इमेज होनी चाहिए रियल इमेज बनाने के लिए. Focus. तुम फोकस के अंदर आ गए तो वर्चुअल इमेज बनती है और फोकस के तुम जस्ट बाहर गए तो रियल इमेज बनती है ना. तो रियल इमेज बनने के लिए तुम कम से कम 36 सेंटीमीटर पे चाहिए, क्योंकि ये लेंस कौन सा है, ये कॉन्वर्जिंग लेंस है कि नहीं? कॉन्वर्जिंग लेंस है. कॉन्वर्जिंग लेंस के लिए, अब ये कॉन्वर्जिंग की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि बाहर का जो लिक्विड है
उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, इसलिए दैट इज व्हाई. तो आंसर शुड बी 36 सेंटीमीटर. चलो चेक करते हैं आंसर सही है क्या. क्वेश्चन नंबर 14 ना, यस दोनों आंसर वही दिए, ये देखो. और यहां पे क्या, ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या दिया, फ्रॉम सरफेस टू इंफिनिटी ऑन द ऑब्जेक्ट साइड, मतलब जीरो टू इंफिनिटी. माइनस इंफिनिटी मतलब ऑब्जेक्ट साइड ना. अरे हो ना बाबा, माइनस इन्फिनिटी चा अर्थच तो होतो ना कि ऑब्जेक्ट साइड है काय, ऑब्जेक्ट ची साइड म्हणजेच माइनस ना. ओके चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 15, ये देखो क्वेश्चन नंबर 15. ये मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 15. ये रहा क्वेश्चन आपके सामने. कीप योर नोटबुक रेडी राइट. An object is located 20 centimeter to the left of a veering lens. अरे ये veering का मतलब क्या है? मुझे लगता है उनको converging बोलना होगा. Converging lens, हाँ? Diverging? ये converging. A second identical lens is placed to the right of the first lens and then moved until the image it produces is identical in size and orientation to the object. कॉन्वर्जिंग है वो, ये वर्ड हटा दो, यहाँ पे कॉन्वर्जिंग है. ठीक है मैं इस वर्ड को हटाता हूं, रुको. यहाँ पे लिख देता हूं कॉन्वर्जिंग. An object is located 20 centimeter to the left of a lens with focal length 10 centimeter. अब देखो हाँ, दो lens combine कर रहे हैं अपने यहाँ पे. Can you, are you able to imagine the situation here? क्या आप यहाँ पे situation को imagine कर पा रहे हो क्या? Yes sir. अच्छा चलो मुझे बताओ तो क्या situation है exactly? Situation क्या है? Convex lens के बाजू में एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है. कॉन्वेक्स लेंस है तो उससे 20 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है. ठीक है, ऑब्जेक्ट एक 20 सेंटीमीटर पर रख दिया, लेकिन फोकस 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है. ओके फिर अगेन एक सेम आइडेंटिकल लेंस उसके राइट साइड में प्लेस की. ओके उसके राइट साइड में बोले तो इधर रखेंगे अभी, एक सेकंड ना, ये यहाँ पे. ठीक है अब उससे क्या हुआ, उस लेंस से दूसरे लेंस से क्या हुआ के बाद उसको हमें ऐसे मूव करना है कि जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट जैसी होगी, सेम ओरिएंटेशन. मतलब हमें सेकंड आइडेंटिकल लेंस लिया और उसको ऐसी जगह पे रखा कि उसने जो इमेज बनाई वो आइडेंटिकल होनी चाहिए साइज और ओरिएंटेशन. मतलब ये अगर वर्टिकल है, ये वर्टिकल है ऑब्जेक्ट, तो जो फाइनल इमेज बनेगी वो भी वर्टिकल होनी चाहिए, इरेक्ट, और सेम साइज की होनी चाहिए, और सेम साइज की होनी चाहिए. तो आपको नहीं लगता कि ये तभी होगा जब, एक सेकेंड ना, इसको ऐसे रखता हूं मैं, जब इमेज जो बनेगी ना, जो इमेज बनेगी वो बराबर 2f पे बननी चाहिए, बराबर 2f पे सेम साइज की बने. बोलता बेटा, बोलता रुको 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 जरा सबर रखो. अभी ये 2f पे, अभी इस वाले लेंस को 2f पे रखने का फिर से. अभी तुमने कहां पे रखा इसको, अभी ये 2f है, ये 2f है ना, ये 2f है, तो अभी इसकी भी तो इमेज बनेगी ना. समझ रहे हो क्या?
यस अभी इसकी, अभी जो इसकी इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी? अब वो 2F पे बनेगी राइट, और वो एग्जैक्ट इसी सेम साइज की बनेगी, समझ रहे हो? ऐसी सेम, ये देखो इधर इधर, क्यों? क्योंकि ये भी 2F है, तो ये भी फिर से क्या बनेगा? 2F। तो पहले लेंस ने जो इमेज बनाई I1, वो रियल थी, और रियल थी, सेम साइज की थी लेकिन इन्वर्टेड थी। लेकिन दूसरे वाले ने जो इमेज बनाई फाइनल इमेज I3, वो भी रियल है लेकिन वो अभी इन्वर्टेड की क्या हो गई? इरेक्ट हो गई, और वो सेम साइज की है जिस साइज का ऑब्जेक्ट है, ये आपकी फाइनल इमेज है। तो फिर उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन इज सेपरेशन बिटवीन लेंसेस, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द लेंस, तो लेंसेज के बीच में सेपरेशन कितना चाहिए, कितना सेपरेशन, देखो 2f 2f, तो कुल मिला के कितना है ये 4f, और f कितना दिया 10 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे है ना, तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट 20, मतलब ऑलरेडी एफ के 2F पे ही था ना ऑब्जेक्ट, तो आंसर कितना आएगा अपना, डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेस इज 4F, इट इज 4 × 10 40 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर, दिस इज द राइट आंसर, 40 सेंटीमीटर 4F। समझे कि नहीं समझे? आपको डायग्राम समझ में आ रही है जो डायग्राम मैंने ड्रॉ की, या इसमें कोई डाउट है? डिड यू अंडरस्टैंड द डायग्राम? अभिजीत बोल रहा है कि सर डिस्टेंस सेम होना चाहिए, डिस्टेंस से देखो, फिर से बोलता हूं मैं तुम लोगों को, ओरिजिनल सिचुएशन क्या दी है कि ये एक लेंस है, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और 20 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। अभी अगले लेंस के बारे में बात भी मत करो, सिर्फ पहले लेंस के बारे में बात करो, इमीडिएटली दिख जाएगा कि 20 सेंटीमीटर ये 10 सेंटीमीटर का डबल है, मतलब ऑलरेडी तुमने क्या किया हुआ है, 2F पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। अब अगर तुमने 2F पे ऑब्जेक्ट के रखा हुआ है, तो कल अपन यही डिस्कस कर रहे थे, इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज भी तो 2F पे ही बनेगी भाई, ये 2F पे इमेज बनेगी, और वो भी सेम साइज की होगी लेकिन इन्वर्टेड होगी। अब इनका क्या कहना है कि एक और लेंस लगाओ इस साइड में, तो लेंस कहां पे रखना चाहिए जिससे जो फाइनल इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट के जैसी ही होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली फिर उसको फिर से 2F पे रखो ना, तो फिर से यहां से रे जाएंगे और ये सेम साइज की बनेगी, और वो भी कहां पे बनेगी, 2F पे ही बनेगी, तो दोनों लेंसेस के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4F, F दिया 10 सेंटीमीटर, तो आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। समझे क्या? अब समझ में आ गया? हाँ बेटा, 1/f1 + 1/f2 - d/f1 f2 = 1/f equivalent है फॉर्मूले ने सॉल्व उतना ही कर सकते तो ते कौन था तो हाँ फॉर्मूला का हाँ का बेटा अरे तू सांग हाँ फॉर्मूला कसा वापरायचा हा फॉर्मूला इजी वापरायला की जे मी एक्सप्लेनेशन दिलं ते इजी आहे एक्सप्लेनेशन इजी आहे ना आणि हा फॉर्मूला जर तू वापरला तर तू फायनल फायनल इक्विवेलेंट काय टाकशील इक्विवेलेंट फोकल लेंथ काय टाक कसा वापरशील हा फॉर्मूला तू मी म्हणतो हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे ना हा फॉर्म्युला वापरायचाच कशाला आपल्याला डायरेक्ट दिसतंय ना की ज्या साईजचा ऑब्जेक्ट आहे त्याच साईजची इमेज बनतीये फक्त ती इमेज उलटी करायची आहे उलटी इमेज झालेली आहे मग त्याला अजून एक लेन्स लावायचा आहे मग लावा 2F वरच ठेवा ना त्याला कशाला ताण घेता 2F वर कोणता हा फॉर्म्युला हा फॉर्म्युला मी कॉम्बिनेशन ऑफ लेन्सेस मध्ये सांगितला होता बघ कालच सांगितलं होतं ना कॉम्बिनेशन ऑफ लेन्सेस
जर दोन लेन्स जर आले आणि दोन लेन्स मध्ये डी डिस्टन्स आहे, याचा एफ वन आहे याचा एफ टू आहे, त्यासाठी हा फॉर्म्युला आहे, आणि दोन लेन्स जर एकमेकांना कनेक्टेड आहेत टच करतायत तर मग डायरेक्ट आहे वन बाय एफ वन प्लस वन बाय एफ टू. पण मी काय म्हणतो हे फॉर्म्युला विसरून जा ना, फॉरगेट अबाउट फॉर्म्युला. डायग्राम मध्ये तुम्हाला काही चुकीचं वाटतंय का सांग, डायग्राम नुसार ये पहला ऑब्जेक्ट, ये पहली इमेज, ये उसकी दूसरी इमेज, इसकी साइज और तीनों की साइज सेम है, क्योंकि ये 2f पे तो ये भी 2f पे, ये 2f पे तो ये भी 2f पे, तो सारे ऑब्जेक्ट इमेज सेम साइज के. व्हाट मिस्टेक डू यू फाइंड हियर? डू यू फाइंड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक? नहीं ना, करेक्ट है. और मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है कि इमेज जो बनेगी वो आइडेंटिकल इन साइज एंड ओरिएंटेशन होनी चाहिए. अब आइडेंटिकल इन साइज होनी चाहिए तो फिर आइडेंटिकल इन साइज भी होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट के सेम ओरिएंटेशन, इसीलिए. ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15. अभी आते क्वेश्चन नंबर 16 पे. अरे ये तो अपने ऑलरेडी डिराइव किया है. देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया, ये कल ही डिराइव किया अपन ने. सपोज एन ऑब्जेक्ट हैज थिकनेस डी यू सो दैट इट बिकम्स यू प्लस डी यू, प्रूव दैट डी वी ऑफ द इमेज इज माइनस वी स्क्वेयर बाय यू स्क्वेयर, सो लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन इज दिस. ये प्रूव करो बोल रहे हो कि डी वी बाय डी यू, ये प्रूव करो. करने की जरूरत है क्या? ये कल हो चुका है ना ये. ओके ये देखो अभी क्वेश्चन नंबर 17. लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 17. ओके लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली, आई एम गिविंग यू वन मिनट टू थिंक अबाउट इट. टू थिन सिमिलर कॉन्वेक्स ग्लास पीसेस, कॉन्वेक्स या जॉइन टुगेदर फ्रंट टू फ्रंट विथ इट्स रियर पोर्शन सिल्वर्ड. अरे यार, रियर पोर्शन को सिल्वर किया हुआ है, मतलब रिफ्लेक्शन होगा. रियर पोर्शन इज सिल्वर्ड सच दैट अ शार्प इमेज इज फॉर्म्ड 0.2 मीटर फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. ओके, व्हेन द एयर बिटवीन द ग्लास पीसेस इज रिप्लेस्ड बाय वॉटर फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज. भाई ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, मैं पहले बता दू तो इसके सिर्फ डायग्राम भी ड्रॉ कर लो ना तो भी बहुत हो जाएगा. इसके डायग्राम भी ड्रॉ कर लोगे तभी बहुत हो जाएगा. टू थिन सिमिलर कॉन्वेक्स ग्लास पीसेस आर जॉइंट फ्रंट टू फ्रंट विथ इट्स रियर पोर्शन सिल्वर्ड सच दैट शार्प इमेज इज फॉर्म्ड. मुझे एक समझ में नहीं आ रहा इसके डायग्राम कैसे आएगी. कैन एनीबडी टेल मी इसके डायग्राम कैसे आएगी? दो कॉन्वेक्स, उन्होंने यार वर्ड क्या यूज किया, टू कॉन्वेक्स ग्लास पीसेस, उन्होंने लेंसेस ने बोला. अभी ये टू कॉन्वेक्स मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, ये टू कॉन्वेक्स ऐसे है कि ये टू कॉन्वेक्स ऐसे, मतलब एक तरफ फ्लैट है कि ये दोनों बाय कॉन्वेक्स है ऐसे. तो बाय कॉन्वेक्स है, अभी श्योर दोनों बाय कॉन्वेक्स है सर, क्योंकि ये नीचे वाला तो प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स हो जाएगा ना, तो उन्होंने वो मेंशन किया चाहिए कॉन्वेक्स बन जाएगी. उन्होंने कॉन्वेक्स भी, तो मैं बाय कॉन्वेक्स लेंस लेके चलूं क्या दोनों को? यस, टू थिन सिमिलर कॉन्वेक्स, तो उनको सीधा बोलना चाहिए था टू सिमिलर बाय कॉन्वेक्स लेंसेस और ज्वाइन टुगेदर. अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के बाद कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा ना, ये ऐसे और ऐसे ज्वाइन कर लिया दोनों को. और ज्वाइन करके रुके नहीं, वो ज्वाइन करने के बाद क्या किया, इट्स रियर पोर्शन इज सिल्वर्ड, मतलब यहां पे सिल्वरिंग कर दिए, सिल्वरिंग कर दिए, सिल्वरिंग कर दी, मतलब वो पार्ट क्या हो जाएगा, मिरर हो जाएगा ना वो. Yes, sir. अब वो मिरर हो गया, वो भी नॉर्मल मिरर नहीं है, वो स्फेरिकल मिरर हो जाएगा, स्फेरिकल मिरर. आगे क्या पूछा है,
शार्प इमेज इज फॉर्म 0.2 मीटर फॉर एन ऑब्जेक्ट एन इन्फिनिटी, मतलब यहां से आगे कितना मीटर, 0.2 मीटर, तो इन्फिनिटी से रे आएंगे तो 0.2 मीटर पे फोकस होंगे, इन्फिनिटी से रे आएंगे तो 0.2 मीटर से फोकस होंगे, इसका मतलब क्या, ये फोकल लेंथ है ना ये, Yes, sir. इसका मतलब ये फोकल लेंथ है, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ है ये। अरे किसी का बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, वो बंद करो टमाटरो। ये कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ है, तो एफ इक्विवेलेंट दिया उन्होंने 0.2 मीटर, दिस इज एफ इक्विवेलेंट 0.2 मीटर, 0.2 मीटर बोले तो 20 सेंटीमीटर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, व्हेन द एयर बिटवीन द ग्लास पीसेस इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, ओ तेरी, मतलब कॉम्प्लिकेशन बढ़ा रही है अभी यहां पे। देखो अभी क्या कर दिया उन्होंने, दोनों लेंस के बीच में क्या भर दिया, वाटर भर दिया यहां पे, ये वाटर भर दिया यहां पे, वाटर भर दिया मतलब क्या हो गया, वाटर भरने का मतलब एक एक्स्ट्रा लेंस ऐड कर दिया ना वाटर का, ऐसा ये वाटर का लेंस एक्स्ट्रा ऐड कर दिया ना यहां पे, एक्स्ट्रा लेंस ऐड कर दिया वाटर का, और अब क्या पूछ रहे वो, अब उसकी फोकल लेंथ क्या आएगी, फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज, मतलब नई फोकल लेंथ आएगी ना, अब न्यू फोकल लेंथ आएगी, अब नया फोकस आएगा, तो वो नया फोकस कहां पे आएगा, ऐसा क्वेश्चन। तो चलो आई एम अलाउिंग यू टू थिंक अबाउट इट और आंसर मी अबाउट दिस। चलो आप में से कोई आंसर कर सकता है इसको, एनी टेक्निक, एनी आइडिया, एनी गेस, कुछ दिमाग लगा सकते हो क्या तुम लोग, क्या करेंगे, फॉर्मूला वापरना है, कौन सा फॉर्मूला, हाँ सर वही, चलो वो जो फॉर्मूला है तुम बता रहे हो वो बाय कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला है, ठीक है, yes, तुम sir. तो मैं जैसे तुमने बोला कि सर दोनों बाय कॉन्वेक्स लेंस मान के चलते, तो मैं दोनों को बाय कॉन्वेक्स लेंस मान के चला, ठीक है, तो बाय कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, आर अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस वन, और इन्होंने म्यू दिया है क्या ग्लास का, वाटर का, इन्होंने ग्लास का म्यू नहीं दिया ना, तो ग्लास का म्यू अपन 3/2 मान के चलेंगे, नहीं दिया तो ग्लास का म्यू 3/2 होता है, 3/2 पुट करो यहाँ पे, तो यह आएगा आर अपॉन ट्वाइस ऑफ 3/2 माइनस वन, आर अपॉन टू इन टू, 3/2 माइनस वन कितना होगा, आर के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ एफ, इसकी फोकल लेंथ एफ। अच्छा ये जो मिरर है यहाँ पे, यहाँ पे ये तुमने क्या कर दिया, इसको ऐसे कर दिया ना, सिल्वरिंग कर दी, मतलब ये मिरर हो गया, तो ये कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कैसी आएगी बताओ, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ एफ इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, यू टेल मी, कौन बताएगा, एनी एनी आइडिया, अभिजीत इज सेइंग वाटर की बाय कॉनकेव लेंस है क्या, हाँ बेटा वो वाटर की जब पानी भरेंगे ना तब वाटर की बाय कॉनकेव लेंस बनेगी, मतलब जब तुम इसमें पानी भरोगे यहाँ पे पानी भर दोगे यहाँ पे तब होगा, लेकिन पानी भरेंगे तब भरेंगे, पहले ये बताओ कि इसका इक्विवेलेंट एफ कैसे निकालेंगे, एनी गेस, एनीबडी कैन यू गेस, वो तो दो लेंस का हो गया ना, तूने मिरर का कंसीडर भी नहीं किया वहां पे, तूने तो मिरर को कंसीडर भी नहीं किया। देखो मैं बोलता हूं, ऐसे सोचो थिंक लाइक दिस, जो लाइट है ना, लाइट ऐसे जाएगा, पहले इसके वजह से रिफ्रैक्शन होगा, फिर इसके वजह से होगा, ठीक है, दो लेंस की वजह से होगा, फिर मिरर की वजह से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है,
और फिर मिरर का रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर से इसमें से रिफ्रैक्शन होगा, इसमें से भी रिफ्रैक्शन होगा, मतलब तुम समझ रहे हो, जब लाइट आ रहा है तो इस लेंस से जाएगा, फिर इस लेंस से जाएगा, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होगा, फिर इस वाले लेंस से वापस जाएगा, फिर इस वाले लेंस से वापस जाएगा, तो इस इनका दो बार आएगा ना ऐसे, दो बार जा रहा है ना लेंस के, लेंस में से, मतलब एक बार जाते टाइम और एक बार रिफ्लेक्शन होके वापस आते टाइम। तो अगर तुमको नेट फोकल लेंथ निकालनी है, तुमको इसकी फोकल लेंथ प्लस इसकी फोकल लेंथ प्लस इसकी फोकल लेंथ प्लस ये सेकंड वाले में से वापस जा रहा है उसकी फिर से लेनी पड़ेगी और फिर से इसकी लेनी पड़ेगी, तो टोटल फोकल लेंथ तुम्हारी कैसी आएगी, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 अगेन 1/f2 अगेन 1/f1, तो बेसिकली 1/f1 1/f2 ये डबल हो गए ना। हाँ बेटा वॉटर दिसतोय तुला, मी याचाच क्वेश्चन मध्ये टाकले ना, नंतर टाकले ना, मी टाकेल ना नंतर वॉटर, बिफोर वॉटर म्हणतोय मी, बिफोर वॉटर, बिफोर वॉटर। आता ऍक्च्युली प्रॉब्लेम काय आहे की मी तुम्हाला कॉम्बिनेशन ऑफ लेन्सेस आणि मिरर अजून शिकवलं नाही, तर मी तुम्हाला तेच शिकवतोय, कॉम्बिनेशन ऑफ लेन्सेस अँड मिरर। तर तुमच्याकडे हे दोन लेन्स आहेत, हा एक हा दुसरा, लाईट काय होणार याच्यातून जाणार, पहिल्या याच्यातून गेला मग दुसऱ्यातून गेला, मग लाईट परत वापस येणार, मग वापस येताना परत याच्यातून जाणार की नाही जाणार, दोनदा जाणार ना लेन्स मधून, किती वेळा जाणार लाईट, दोनदा, राईट, टू टाइम्स। तो इसलिए लेंस की फोकल लेंथ टू टाइम्स लेनी पड़ेगी, इसलिए ट्वाइस ऑफ 1/f1 + f2, और मिरर की फोकल लेंथ एक ही बार लेनी पड़ेगी, समझ रहे हो क्या, गॉट इट ना। अभी वैल्यूज पुट करो, ट्वाइस ऑफ इसकी फोकल लेंथ कितनी है, बाय कॉनकेव लेंस की अपन ने आर निकाली राइट, 1/r, वो पॉजिटिव है तो प्लस आर लेना पड़ेगा, प्लस 1/r, कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए पॉजिटिव प्लस, और इसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी मिरर की, मिरर की, मिरर की फोकल लेंथ क्या होती भाई जल्दी बताओ, मिरर की फोकल लेंथ क्या होती, मिरर की फोकल लेंथ होती है r/2, और वो भी कॉनकेव मिरर की पॉजिटिव होती है कि निगेटिव होती है, नेगेटिव, तो -r/2 लेना पड़ेगा ना, ठीक है, तो देखो कितना आता है ये, ट्वाइस ऑफ 1 + 1/r + 1/r इज 2/r -2/r, कितना हो जाएगा ये 4/r -2/r, तो ये 2/r आएगा ना, तो बेसिकली f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r/2, ये 0.2 मीटर दिया ना उन्होंने स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में उन्होंने 0.2 मीटर दिया, 0.2 मीटर दे दिया, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब यहां से r की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू कितनी आ गई 0.4 मीटर। अभी इसको ऐसे ही रखो, नाउ वी विल पोर वॉटर बिटवीन द टू लेंसेस, अभी अपन क्या करेंगे, दो लेंसेस के बीच में वॉटर रखेंगे। अब दो लेंसेस के बीच में वॉटर रखने से क्या होगा, अभी तुमको दो लेंसेस नहीं, अभी तुमको तीन लेंसेस मिल रहे, कितने लेंसेस मिल रहे तुमको, तीन, तीन कौन से कौन से, एक ये वाला, एक ये वाला, एक वाटर वाला, और मिरर का तो अलग है ही, तो मतलब चार हो गए यहां पे। अब इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, कौन बताएगा मेरे को, टू टाइम्स, ये दोनों ग्लास वाले भी आएंगे उसमें, क्योंकि ग्लास वाले में से तो दो बार जाने वाला है, प्लस वाटर, वाटर, वाटर का भी जाएगा, वाटर का भी लेंस लेना पड़ेगा, और उसके बाद मिरर का भी, मिरर का भी लेना पड़ेगा, मिरर का भी लेना पड़ेगा, ओके। अभी देखो ये आएगा ट्वाइस ऑफ, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ग्लास, आर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ सेकंड वाला ग्लास, आर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ वाटर,
वाटर वाले का फोकल लेंथ क्या आएगा, ये आएगा माइनस आर बाय ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस वन ना, बाय कॉनकेव, वाटर वाला बाय कॉनकेव, तो माइनस आर बाय ट्वाइस ऑफ, ये म्यू कितना है, फोर बाय थ्री ना, फोर बाय थ्री माइनस वन इज वन बाय थ्री, ये हो जाएगा माइनस थ्री आर बाय टू, माइनस थ्री आर बाय टू यहां पे पुट करो, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, नीचे आएगा थ्री आर, ऊपर आएगा टू, और मिरर का तो अपना पता ही, अपने को मिरर का कितना लिया था अपन ने लास्ट टाइम, वही लेना पड़ेगा वापस, लेकिन माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि वो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। हाँ बेटा एक मिनट थाम, एक मिनट थाम, एक मिनट तू पर डाउट इंट्रोड्यूस कर, थाम एक मिनट, माइनस आर बाय टू माला पहले सॉल्व करू दे सब, माइनस आर बाय टू, अभी इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा वन बाय आर प्लस वन बाय आर कितना होगा, टू बाय आर, माइनस टू बाय थ्री आर, माइनस टू बाय आर, सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा नीचे थ्री आर, थ्री टू जा सिक्स, माइनस टू, माइनस टू बाय आर, मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी, हाँ अभी बस सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ट्वाइस ऑफ सिक्स माइनस टू इज फोर बाय थ्री आर, माइनस टू बाय आर होगा एट बाय थ्री आर, माइनस टू बाय आर, इट इज वन बाय आर इन ब्रैकेट एट बाय थ्री माइनस टू, एट बाय थ्री माइनस टू कितना आएगा भाई, टू बाय थ्री, तो ये हो जाएगा वन बाय एफ इक्वेलेंट इक्वल टू टू बाय थ्री आर, तो अभी नया एफ इक्वेलेंट क्या आएगा, थ्री आर बाय टू, मतलब थ्री बाय टू इंटू आर कितना है, जीरो पॉइंट टू ना, अपन ने आर पहले कितना फाइंड किया, जीरो पॉइंट फोर, सॉरी सॉरी सॉरी, अपन ने आर फाइंड किया था जीरो पॉइंट फोर, तो आर को जीरो पॉइंट फोर पुट करना पड़ेगा, ठीक है जीरो पॉइंट फोर पुट करो, थ्री बाय टू इंटू जीरो पॉइंट फोर कितना आएगा, ये जीरो पॉइंट सिक्स मीटर, तो इसका मतलब नई फोकल लेंथ कितनी है, जीरो पॉइंट सिक्स, वॉटर पोर करने के बाद वाली, वॉटर पोर करने के बाद वाली फोकल लेंथ कितनी, जीरो पॉइंट सिक्स, तो अपना आंसर जीरो पॉइंट सिक्स आना चाहिए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का, ओ तेरी बारह सेंटीमीटर आंसर है, आपने हेराए लेना लेंस की फोकल लेंथ पर चेंज मिलना, ये 12 सेंटीमीटर दिया है, डैम इट सर, इसका मतलब अपन ने कहीं तो भी मिस्टेक किए, उसमें फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज बोला है ना, अरे तो इमेज पैरेलल रेज से बन रही है, तो पैरेलल रेज से इमेज फोकस पे ही बनती है ना, फोकस पे ना, इसीलिए फोकस फाइंड कर रहा हूं, हां बेटा लेंस की फोकल लेंथ चेंज मिलना, लेंस की का है? फोकल लेंथ चेंज हुई कस का मतलब, पानी डालने के बाद, नहीं नहीं नहीं, नहीं पानी डालने के बाद फोकल लेंथ चेंज नहीं होती, लेंस की सराउंडिंग मीडियम चेंज होता है ना बेटा, लिसन लिसन, ये प्रीवियस ईयर में भी एक क्वेश्चन आ चुका है, देखो ये ऐसा एक लेंस है और ये ऐसा एक लेंस है, इसकी रेडियस लेटर से आर है, इसकी आर है, सॉरी इसकी फोकल लेंथ एफ है और इसकी फोकल लेंथ एफ है, ठीक है अगर दोनों के बीच में पानी डाल दिया, लेटर से दोनों के बीच में अगर पानी डाल दिया तो नई फोकल लेंथ कितनी होगी, व्हाट विल बी द न्यू फोकल लेंथ, तो तुमको जैसे तुम यहाँ पे दो का कॉम्बिनेशन मान के चल रहे हो ना, यहाँ पे तुम यहाँ पे तीन का कॉम्बिनेशन मान के चलोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम यहाँ पे दो का कॉम्बिनेशन मान के चल रहे थे, यहाँ पे तीन का कॉम्बिनेशन आएगा, दैट्स इट, ये एफ वन एफ टू, एफ वन एफ टू, ये एफ वन एफ टू, बीच में एफ थ्री आ गया बस, ठीक है। अब तुम क्या बोल रहे हो कि सर इसके राइट में एयर है लेकिन इसके राइट में तो वाटर है ना, यार तुम सेपरेट कंसिडर कर रहे हो ना तीनों को, तो सेपरेट जब कंसिडर करोगे तो वो मैटर नहीं करता ना, वो एम आई मेकिंग सेंस, अच्छा बेटा, अच्छा बेटा मुझे ये इसका बता, इसका बता, चल छोड़ ये इसका बता, इसका कॉम्बिनेशन तू कैसे निकालेगा, वन बाय एफ अपॉन, क्यों इसके साइड में ग्लास नहीं है राइट साइड में, तो तू वन बाई एफ वन क्यों कर रहा है फिर, समझ में आ रहा है क्या, फोकल लेंथ चेंज नहीं होती, फोकस तो चेंज होईल ना, हाँ फोकस चेंज होगा ना, हाँ तो मग आपल्याला इमेज चेंज व्हायली ना त्याची, कोणाचा फोकस, कोणाचा फोकस,
किसका फोकस चेंज होगा? फोकस क्या बोल रहे हो? इमेज कराई ना दादा, इमेज इज द फोकस। पैरेलल रेज से जो इमेज बनेगी वो फोकस ही होती है। हाँ तो मग फोकस चेंज व्हायला तर आपल्याला फोकल लेंथ पण त्याच्या रिस्पेक्ट मध्ये आपल्याला फाइंड काय करायचं बेटा? आनंद काय फाइंड करायचंय? आपल्याला फोकल लेंथ फाइंड करायची आहे। या कॉम्बिनेशनची फोकल लेंथ काय येते? ही येते 1/f1 + 1/f2। या कॉम्बिनेशनची फोकल लेंथ काय येते? 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। बरोबर ना? फक्त याच्यात एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन काय होतं की इथे इथे मिरर केलं होतं आणखी, हे जास्त कॉम्प्लिकेट होऊन गेलं आणखी। तर मला वाटतं आपण आहे ना इथे कुठेतरी मिस्टेक केलेली आहे। वी हॅव मेड अ मिस्टेक समवेअर। अब ये मिस्टेक मुझे ढूंढनी पड़ेगी। तो अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा साइड में रखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस और मिरर में यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, वो मैं ढूंढ लूंगा बाद में, ठीक है? और मैं ये हाँ बेटा क्वेश्चन मध्ये असे थोड़ी मेंशन केली की त्या याच्यामध्येच फक्त पाणी भरले। चल मी तुला एक नवीन क्वेश्चन देतो, त्याचं उत्तर काढ म्हणजे तुला आन्सर येईल। हा क्वेश्चन तर आता बाजूला राहू दे, मी न्यू क्वेश्चन देतो तुला, ठीक है? न्यू एक्झाम्पल, ठीक है? मला सांग याची फोकल लेंथ किती येईल, ठीक है? दोन्ही साइडची रेडियस सेम है, दोनों आप प्लैनो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी, बोथ आर प्लैनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? आणि याची सांग मला, आणि इथे वॉटर भरलेले आता वॉटर, ओके? आणि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिलेली आहे, रेडियस आर दिलेली आहे, ओके? करू शकतो का तू हे सॉल्व्ह करू शकतो? यस सर। आणि म्यू फाइंड ग्लासचा म्यू घे, म्यू ऑफ ग्लास 3/2, म्यू ऑफ वॉटर 4/3, ओके? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द फर्स्ट कॉम्बिनेशन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ सेकंड कॉम्बिनेशन। चलो भाई सब लोग करो इसको, एवरीबॉडी। सर फर्स्ट एफ इज इक्वल्स टू आर, ओके? और सेकंड का बेटा सेकंड का भी ट्राई करो। अभिजीत बेटा इस क्वेश्चन को ट्राई करो बेटा, पहले वो जो क्वेश्चन जो हुआ ना उसमें कुछ गलती हुई है, मैं उस गलती को ढूंढता हूं, तब तक तुम इसको ट्राई करो। कहां पे गलती हुई है यार? कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है। हाँ बेटा चुकत कुठं असेल मला सांगू काय? नाही नाही नाही, तू मला याच उत्तर सांग, याच्यावरून सगळं क्लिअर होऊन जाईल, याच्यावरून सगळं क्लिअर होऊन जाईल। सब कुछ क्लियर हो जाएगा इससे, ओके? सबसे पहले तुमने पहले वाले का क्या, फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का? फर्स्ट वाले में तुमने ऐसे किया होगा, पहले तुमने इसका फोकल लेंथ निकाली होगी, एफ इक्वल टू आर बाय म्यू माइनस वन, आर बाय 3/2 - 1, तो टू आर आया होगा, राइट? और फिर तुमने इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया होगा ऐसे, बराबर ना? 1/f equivalent = 1/f1 + 1/f2,
ये क्या होगा सर, वन ऊपर बाय, एफ इजिक्वल्स टू 2 आर आता है यहाँ पे। हाँ तो बेटा ई एफ इक्वल टू 2 आर ही लिखा ना मैंने। एफ इजिक्वल्स टू आर आता सर, 3/2 - 1 आता। किसने कहा 3/2 - 1 आता बोल के? हु सेड टू यू 3/2 - 1 वन कैसे आएगा बेटा? 1/2 1/2 आएगा ना, मतलब नीचे 1 ऊपर 2। हाँ ना, तो मुझे ये क्या 2/1 ना, वही काय होता है? अरे मैं चुकी से लीला है क्या, करेक्ट लीला है टमाटर, लीले सर, बराबर है बराबर है ना? सर, तो तो मैंने बराबर तो रिजल्ट। एक लेंस का 2 आर है ना, तो अब दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन ऐसे निकालना पड़ेगा ना, है कि नहीं? 1/2 आर + 1/2 आर, 1/2 आर + 1/2 आर हो जाएगा 1/r, है कि नहीं? तो इसका मतलब फाइनल एफ एफ इक्विवेलेंट कितना आएगा? आर आएगा बस। और हाँ तो पहले वाले का आंसर आएगा एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर, पहले वाले का आंसर। अब बताओ दूसरे वाले का कैसे निकालने का? सर, पहले वो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ फाइंड करनी है वाटर से जो बनी। अब तुम क्या करोगे सेकंड वाले में? ये सेकंड वाला है, अभी तुम इसकी अलग फाइंड करोगे, इसकी अलग, और जो बीच में वाटर का है उसकी अलग कर रहे हो क्या? यस सर, पहले उसकी फाइंड कर। -1/3 मुझे 3 -3 r। लेट अस से इसकी F3 है, F3 कितनी आएगी? -r/μ-1 ना, सो -r/4/3 - 1, तो जगह -r/1/3, तो ये -3 r आई क्या? -3 r। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने ये क्यों नहीं सोचा फिर यहाँ पे आनंद, ये पण सांग वाला, तो असा का बर विचार नहीं केला कि याच्या राइट साइड ला ग्लास है, लेफ्ट साइड ला पण ग्लास है, कि इकडे पण ग्लास है, माझं म्हणणं कसं होतं सर ते आणि समजलं, म्हणजे इकडे तुम्ही वेगळं घेतलं। माझं म्हणणं काय होतं हा, की ते जर तेवढ्याच पार्ट मध्ये पाणी नाहीये, बाकी बाजूला पण तर पाणी येईल ना, त्याच्या बाजूला म्हणजे कुठे? बाजूला म्हणजे कुठे? इकडच्या साइड समजा आता एक लेन्स आहे ती एअर मध्ये, तर तिची फोकल लेंथ वेगळी येते, जर ती पाण्यात टाकली तर तिची फोकल लेंथ वेगळी येते, बरोबर आहे? हाँ, तर त्याच्यात थोडी मेंशन केली की फक्त त्या मधल्या स्पेस मध्येच पाणी भरले। हा तसंच म्हणलेलं त्यांनी, फक्त मधल्या स्पेस मध्येच पाणी भरलेलं हे बघ क्वेश्चन मध्ये दिले का? हा क्वेश्चन मध्ये तसं मेंशन केलंय ना, व्हेन द एअर बिटवीन द ग्लास, हे काय, व्हेन एअर बिटवीन द ग्लास पीसेस इज रिप्लेस्ड बाय वॉटर, हे काय, तसं मेंशन केलंय त्यांनी क्वेश्चन मध्ये, म्हणून तुम्ही तसं घेतलं, आलं लक्षात? ओके तर आता इथे किती झाले, इथे 3 लेन्सेस झाले ना, आता ये तिघांपैकी तुम्ही ग्लास ग्लास का तुमने निकाल लिया, अभी ग्लास का तुमने कितना निकाला, सॉरी ग्लास का नहीं वॉटर का तुमने निकाल लिया -3 r, अभी 1/f इक्विवेलेंट कितना है? 1/f1 + 1/f2 + 1/f3, तो f1 कितना है? 2 r ना, सिंगल का 2 r प्लस 1/2 r दूसरे वाले का, और ग्लास का कितना है? 1/-3 r, तो ये कॉम्बिनेशन करके क्या टोटल कितना आएगा? ये 1/r कॉमन ले लो, 1/2 + 1/2 1 - 3, 1 - 1/3 = 2/3, तो अल्टीमेटली आ जाएगा ये 3 r/2। तो मतलब पहले वाले की फोकल लेंथ थी आर, दूसरे वाले की फोकल लेंथ क्या आएगी? 3 r/2। समझे कि नहीं समझे? तो दो लेंसेस के बीच में अगर पानी भर दिया तो क्या करने का, ये समझा तुम लोगों को? दो लेंसेस के बीच में अगर पानी भर दिया तो समझ लो कि वो पानी का एक नया लेंस बन गया, ठीक है? और वो पानी का जो नया लेंस बन गया उसकी फोकल लेंथ निकालो, और 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 करो। ओके, कैन यू डू दैट? अब रही बात कि सर एक साइड को अगर मिरर मिरर कर दिया, सिल्वरिंग कर दी एक साइड,
अभी लेट अस से एक ऐसा ऐसा है, इसको इधर सिल्वर कर दिया, सो इट इज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। अगर ऐसा कर दिया तो दिस इज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। सो वी हैव टू येट टू स्टडी द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस एंड मिरर। तो अपन एक काम करेंगे, कल का लेक्चर अपन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस और मिरर पे ही रखेंगे। ओके आज अपन यही रुकते हैं, टुमोरो विल फोकस ओनली अपॉन। और ये वाला जो क्वेश्चन अपना गलत हुआ ना, इसमें कहाँ पे गलती हुई वो भी मैं ढूंढ के निकालता हूँ, तो ये वाले भी मैं कल बता दूंगा। ओके सो डू नॉट मिस टुमोरोज लेक्चर, इन टुमोरोज लेक्चर आई विल क्लैरिफाई एवरीथिंग रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस एंड मिरर एंड सिल्वरिंग ऑफ द फेस ऑल्सो, वो भी कर लेंगे कल। ओके चलो आज यहीं पे रुकते हैं फिर, टुडे वी स्टॉप हियर सर। बाय सर। ओके बेटा अभिजीत आस्किंग मी सर मग त्या लेन्सच्या मध्ये पाणी असेल तर, लेन्सच्या मध्ये पाणी असेल तर मग ते पाण्याचं लेन्स बनून जाईल ना टमाटे। एग्जाम मध्ये असं पण विचारू शकता तुम्हाला, एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, इसके अंदर पानी है तो ये पानी का ही लेंस बन गया ना फिर, ये वाटर लेंस बन गया ना, अगर ऐसा आ गया तो ये ऐसा, ये ग्लास 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 और बीच में वाटर, ऐसा भी आ सकता है, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ओके तुम ट्राई करके देखो सारे, तुमको काफी प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन मिलेंगे और बुक में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। चलो गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे इंडोर, और मैं भी चला जाता हूँ अभी हॉस्पिटल।